इसका फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा आ गया लगभग? 100 रुपीज आए थे। 150 रुपया 100 रुपीज। तो अभी ये देख सकते हैं 32 का एवरेज, 42 का भाई, 47 का, 50 का एवरेज 80 पे दिखा रही है। बहुत ऊंचा है फिर भी नहीं लग रही है गाड़ी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं दे रहा हूँ वैगनार का ओनर रिव्यू। भाई की गाड़ी है हमारे आजम भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, बताइए। बढ़िया। तो आजम भाई आप कब से यूज कर रहे हैं इसको? भाई ये अक्टूबर में ली थी। हाँ अक्टूबर में ली थी ये। हाँ तो जबरदस्त तरीके से रफ एंड टफ चला रहे हैं। बाकी ये कुछ इसकी की है इस तरीके से, सेकंड टॉप है VXI, 1.2 लीटर है ये, 1.2 लीटर गाड़ी है वगैरह भी देखिए, 175/70 R14 है। तो इसके ये रहे टायर, क्लियरेंस भी बढ़िया ही है क्योंकि मैं वहाँ लेके गए थे इसको ओली। हाँ ओली करीबन यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। हाँ और रोड भी इतना खतरनाक है, वही केदारनाथ वाला रोड है, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला, वहाँ से अप्रोक्स 40 किलोमीटर रह जाता है बद्रीनाथ। तो रोड भी ज़बरदस्त है, बाकी अंदर से भी सही है। तो भाई अभी केदारनाथ साइड गए थे, वहाँ का आपको रोड पता ही है, काफ़ी मतलब ख़राब रोड है, तो वहाँ लेके गए थे, मस्त गई एकदम। बाकी अभी मैं भी चला के दिखाऊंगा इसका, मतलब अभी हम जा रहे हैं ककरा क्रोकोडाइल पार्क, वहाँ पे ऑफ रोडिंग वाला रोड है बिल्कुल, तो वहाँ भी चलेंगे। बाकी ये रही अंदर से कुछ, ये सीट आपने आफ्टर मार्केट मतलब ये कवर लगवाए ना? नहीं, ये कंपनी से ही, ये सब कंपनी फिटेड, सब कंपनी फिटेड है, बस ये दो मैट मैंने पड़वाई हैं। अच्छा ये खाली मैट भाई ने पड़वाया, बाकी कुछ नहीं करवाया। बाकी ये रहा कुछ इसका इंटीरियर, इसका वो दिखा दी, स्टीयरिंग दिखाइए, इसका देखिए ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ये बड़ा कंफर्ट लगता है। वैसे तो मैं मोस्टली ऐसे चलाता हूं। ये चीज है, इसको देख सकते हैं, ये एडजस्ट भी काफी है। देखिए फिलहाल मैं भी तो हाइट सही है नॉर्मली, ये काफ़ी है। हाँ मैं भी बैठ रहा हूँ तो काफ़ी स्पेस है यार ऊपर। 6 फिट का जो मैन होगा अगर वो भी बैठेगा तो ये लगेगा नहीं, ऐसा उम्मीद है। ठीक है बाकी काफ़ी है, पीछे भी काफ़ी स्पेस है, मैं बैठ के दिखा रहा हूँ। देखिए सट नहीं रहे मेरे पैर, मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल पैर वैर नहीं लग रहे हैं। और जबकि हम लोग जो है मैं सीट नहीं पीछे करके लेटता हूँ, बैठता भी पीछे करके हूँ, बाकी जब ड्राइविंग सीट होती है वो भी मेरी पीछे रहती है मोस्टली, तभी स्पेस काफ़ी है इसमें। तो बाकी डिग्गी की बात करें, इसकी डिग्गी भी काफ़ी बड़ी है यार, इसका पीछे से डिग्गी, ये कितने लीटर की है? 341 लीटर की बूट कैपेसिटी। हाँ 341 लीटर की इसकी बूट स्पेस है। ठीक है ये ऑटोमेटिक नहीं है, गियर शिफ्ट है, इसमें 5 गियर हैं। बाकी इसके इंजन 1.2 लीटर का है ना? हाँ 1.2 लीटर है, VXI 1.2 लीटर का इंजन है, जो मैक्स इंजन पावर 83 है हाउस पावर, और इसके 6000 RPM निकालता है ये। ठीक है एवरेज तो भाई बहुत ही अच्छा है इसका, एवरेज मैं अभी दिखाऊंगा। वैसे अभी मैं यहाँ से घर से यहाँ तक लेके आऊँ तो 50 तक का टच कर रहा था भाई, बाकी 20-22 का तो भाई भी निकाल देते हैं। क्लीयरेंस भी सही है यार, ग्राउंड क्लीननेस बहुत तगड़ा है, और डिस्क ड्रम ब्रेक है इसके। बाकी 1.2 लीटर का इंजन है, काफ़ी सही गाड़ी है, स्टेबल चलती है बहुत रोड पे, ज़बरदस्त चलती है, रफ एंड टफ चला, रफ एंड टफ चला सकते हो आप, खेत वेत कहीं पे भी चला सकते हो। हाँ तो चलो इसे रोड पे डालते हैं, फिर टेस्ट करते कैसी है। चलो तो अभी आ गए गाड़ी के अंदर, और ये सारी चेक लाइट वगैरह दे रहा है इसमें। ठीक है बाकी इसमें जो स्टीरियो लगा है वो भी काफ़ी मस्त है, ये कंपनी फिटेड लगा हुआ है, और फोर स्पीकर्स हैं इसमें। ठीक है बाकी यहाँ से ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है, यहाँ से कॉल वगैरह उठा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा आ गया लगभग? 100 रुपीज आए थे यार। 150 रुपया 100 रुपीज़। अरे भाई देख सकते हैं आप, इसकी सर्विस में बस 100 रुपीज खर्च हुए थे, क्या कह रहा था, बस नॉर्मल चेकअप हुआ था, नॉर्मल चेकअप हुआ था, देख सकते हैं। और दो सर्विस हो गई है, थर्ड होने वाली है 10,000 पर। तो सेकेंड सर्विस में कितना खर्चा आ गया था? सेकंड में भी 1,000 रुपीज़ आया था। 1,000 रुपीज़ अभी थोड़ा सा याद भी नहीं है, अप्रोक्स इतना ही होगा, हो सकता है इससे कम ही है। तो देख सकते हैं भाई इससे सस्ता कहाँ, बाकी देख रहे हैं सर्विस कॉस्ट मात्र एंड मतलब 1,000 रुपीज़, गाड़ी बढ़िया। बाकी इससे पहले मैं i10 चला रहा था, बढ़िया है, और फोर स्टार रेटिंग गाड़ी है। और एयरबैग सेफ्टी की बात करें तो एयरबैग्स ये दे रखा है, बाकी एक वहाँ पे दो एयरबैग्स दे रखे हैं, बस दो एयरबैग्स हैं, काफ़ी हैं इतने, तो काफ़ी सेफ्टी फीचर। बाकी नॉर्मल सा एसी बैंड वगैरह दे रखे हैं, ये गियर लीवर हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, छोटा सा दे दिया, मस्त एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी।
गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल केबिन में आवाज नहीं आ रही है इस टाइम, गाड़ी स्टार्ट है। अभी मैं रेस देता हूँ, हल्की सी आवाज आई होगी आपको भाई, बहुत साइलेंट इंजन है। तो चलिए चल रहे हैं। सीट बेल्ट का वो भी दे रहा है कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन सब देता है, सारे इंस्ट्रक्शन देता है। देख सकते हैं साउंड भी बहुत जबरदस्त है, बस इतना ही बहुत है, कॉपीराइट आ जाएगा वरना। स्टार्टिंग हो गई है भाई इसकी ऑफ रोडिंग से, देख सकते हैं कितनी खतरनाक रोड है, इधर भी खेत हैं इधर भी खेत हैं। तो स्टार्टिंग मैं बेकार रोड से ही कर रहा हूँ, बाकी इसका एवरेज मैं बहुत शानदार निकाल रहा हूँ। अभी तो ये 9-10 का दे रही है, बाकी मैं आपको ऑन रोड दिखाऊंगा कि कितना अच्छा एवरेज है। तो अभी शुरुआत हुई है इसकी, बिल्कुल ख़राब रोड से हम जा रहे हैं बिल्कुल एक पार्क में जहाँ मैं पहले जा चुका। पेड़ लग रहा है शायद इसकी कली लेके हाथ में रगड़ने से क्या रेड हो जाता है, मेहंदी लग जाती है, मेहंदी रेड वाली मेहंदी। ये देखिए यहाँ पे भी हमें लग रहा था हमें ठहरने, कुछ लोग आ रहे हैं शायद इनका विलेज विलेज होगा। देखिए भाई साहब गाइस ये देखिए कितना बेकार रोड है, यहाँ पे चल रही है अपनी गाड़ी, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसे कहीं भी, मतलब गांव में कहीं भी डाल दो इसे। घूम लिया है बाकी अब चल रहे हैं वापस, मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया करके रिव्यू दे रहा हूँ ना मैं गाड़ी का। चलो बढ़िया गाड़ी वैगनार, तो कोई अगर गांव से है या फार्म वर्म पे है वैगनार प्लान कर रहा है तो वो ले सकता है। देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है, ये देखिए कार वैगनार और ये है गड्ढा, आपको कम लग रहा है फिलहाल है सही है गहरा है। क्लियरेंस भी सही है, ना तो आराम से निकल जाएगी जब इतने बड़े गड्ढे में निकल रही। ये देखिए ये गड्ढे, ऑफ रोडिंग होगी। तो मैं दिखा रहा था बहुत एक्सट्रीम, तो अब ये ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो मैंने बोला आप ट्राई करो, अब मैं बनाऊंगा वीडियो अच्छे से, ठीक है आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो आ जाओ भाई आ जाओ। तो ये देखिए कितना ऊंचा है, ये देख सकते हैं आप बहुत ऊंचा है, फिर भी नहीं लग रही है गाड़ी, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना एक्सट्रीम है, नहीं लगी गाड़ी, काफ़ी जगह है ये देखिए नीचे, काफ़ी जगह हो रही है, ये देखिए कितना गहरे गड्ढे हैं, देख रहे हैं कितनी ऊंची है, नहीं लगी गाड़ी और सही चलती जा रही है भाई साहब। तो यहाँ चल रही है मोटर, देख रहे हैं भाई ये स्टीम में आ रहे हैं, देखो भाई पूरी डाउन है इस साइड को, गाड़ी डाउन है उधर उठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई कहीं भी। बाकी इसका बोनेट दिख रहा ना बहुत तगड़ा लग रहा मुझे, तो भाई ऊपर लगे कुछ, ये देख रहे हो गड्ढे, तो अभी ये देख सकते हैं 32 का एवरेज, 42 का भाई, 47 का, 50 का एवरेज, 80 पे दिखा रही है 49, तो देख सकते हैं एवरेज अच्छा निकाल रही है गाड़ी। बाकी 25 का एवरेज तो लगभग है, बाकी मैं एक पैडल पे चला रहा हूँ ना तो इतना अच्छा एवरेज दिखा रही है, तो मतलब हर तरीके से गाड़ी तैयार है ये, आप मतलब किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, रफ एंड टफ बहुत, हाँ रफ एंड टफ गाड़ी है। बाकी देखिए कंटिन्यूसली 39, 40, 39, 40, 36 ऐसे ही एवरेज दिखा रही है ये, आप देख सकते हैं 42, 43, 48 मतलब ऐसे ही पहुंच रही है। तो इसका निचोड़ मैं बता रहा हूँ करीब 25-26 तक का एवरेज अच्छे से है अगर आप एक स्पीड में चला रहे हैं। बाकी भाई से भी रिव्यू लेते हैं इसका क्या रहता है अभी गाड़ी का, जबरदस्त, मैं तो बहुत घूमता हूँ इस चीज़ से, लखनऊ जाना है, औली जाना है, कहीं हिल स्टेशन जाना है, प्लेन जाना है,
और रफ्रंट जब चलाता हूँ गड्ढे उड्ढे कुछ नहीं देखना है, जैसे मैं वैसे फ्रीली चलाता हूँ, पहले भी गाड़ी सब ऐसी चलाता था, ये भी खूब चलाता हूँ, थोड़ी सी वो भी है ना इसको ऊँची भी, ग्राउंड क्लीननेस अच्छा है। 20 मिनट की राइड हो चुकी है, तो ये देखिए 33, 32, 33, 32, 33, 30, 29 ऐसे ही रह रहा है एवरेज, बहुत तगड़ा एवरेज निकालता हूँ मैं, लेकिन एक कंडीशन है बस, एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको चलना है तभी इतना मस्त एवरेज आएगा। देखो आप आ रहा ना मस्त, एक स्पीड पे चलना है, सिर्फ एक स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलिए आप तो एवरेज बेहतरीन निकालेंगे। हो गया फुल रिव्यू, भाई को जाने देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।